चेहरे पे आ जाए, वो भी सिर्फ घर की चीज लगाने से, यानी मात्र एलोवेरा जेल लगाने से अगर चेहरे के ऊपर ऐसा ग्लो आ जाए गाइज, तो क्या कहोगे? कोई आपको ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, आज का वीडियो इतना अमेजिंग होने वाला है, चेहरे पे इतना ग्लो आ जाएगा ना कि आपकी ग्लो की तलाश जो है आज ही खत्म हो जाएगी। चलिए देखते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना गाइस आज तक शीट मास्क बहुत सारे यूज किए होंगे। मेरी फैमिली के जितने भी मेरे ख्याल से आज लोग देख रहे हैं, उन सभी ने कभी ना कभी शीट मास्क का इस्तेमाल किया होगा। जब भी हमें अपने चेहरे पे हाइड्रेशन की जरूरत होती है, ग्लो की जरूरत होती है, हमारी स्किन ड्राई होती है और हम चाहते हैं कि प्रॉपर हाइड्रेशन बना रहे और हमारे चेहरे का रूखापन चला जाए, तो हम उसके लिए शीट मास्क का इस्तेमाल करते हैं। बट बाजार में मिलने वाले शीट मास्क के अंदर क्या मौजूद है, केमिकल है या नहीं है, इसके लिए हम कॉन्फिडेंट तो नहीं होते हैं। बट आज जो तरीका मैं आपके साथ एलोवेरा जेल लगाने का बता रही हूं, एक ऐसा प्रॉपर हाइड्रेशन आपके चेहरे पे लेकर आएगा, एक ऐसा शीट मास्क मैं आपको तैयार करना घर पे बता रही हूं, जिसके गजब के रिजल्ट्स देखकर आप कभी भी मार्केट वाला शीट मास्क नहीं खरीदने वाले हो। मेरी गारंटी है, अगर एक बार आपने आज का मेरा बताया हुआ ये तरीका अपना लिया, तो कहीं भी आप जा रहे हो, पार्टी में, फंक्शन में, किसी इनविटेशन के आने पर या फिर किसी भी ओकेजन पर, आप अपने चेहरे पे विद इन अ मिनट ग्लो ला सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत खूबसूरत है, कंटेंट बहुत अमेजिंग है, आप सभी को बहुत हेल्प करने वाला है। स्पेशली सर्दियों में बहुत सारी शादियां, इन्विटेशन हमारे घर पे आते हैं, हम पार्टी फंक्शन अटेंड करते हैं, उससे पहले डेली डेली फेशियल कोई नहीं करा सकता है, बट आज का ये तरीका अपनाकर आप हमेशा फेशियल जैसा निखार अपने चेहरे पे ला सकते हो। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर ऐसे ही मैजिकल रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूं। चलो फटाफट से देखते हैं कि जो ग्लो हम ढूंढते हैं उसकी तलाश हम आज कैसे खत्म करने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो हम जो शीट मास्क तैयार करने वाले हैं गाइस, इसका हमारा जो बेस है वो होता है एलोवेरा जेल, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 चम्मच तकरीबन एलोवेरा जेल। इसमें आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल डाल सकते हो, या फिर अगर आपको पत्ते वाला नेचुरल एलोवेरा जेल सूट करता है उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, ठीक है। 1 चम्मच आपको एलोवेरा जेल लेना है, जो कि हमारी स्किन के प्रॉपर हाइड्रेशन का काम करता है, स्किन को सपल बनाता है, सॉफ्ट करता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जो है गाइस, वो बहुत ज़्यादा मैजिकल है। आप सभी ने हाइलोरोनिक एसिड के बारे में सुना होगा, बट यहाँ पे हाइलोरोनिक एसिड का काम करती है ग्लिसरीन। जी हाँ, ग्लिसरीन के अंदर वही प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, वही सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि हाइलोरोनिक एसिड काम करता है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, अगर कोई सस्ता हाइलोरोनिक एसिड आपको चाहिए जो आपको बहुत आसानी से मिल जाए, तो वो है हमारी ग्लिसरीन, जो कि हमारे चेहरे की चमक को बढ़ाती है, दाग धब्बों को हटाती है, साइंस ऑफ एजिंग को खत्म करती है, स्किन के ग्लो को बढ़ाती है, ठीक है। यहाँ पे आधा चम्मच आपको लेनी है ग्लिसरीन। और तीसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। हमेशा मैं डाबर गुलाबरी का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत प्योर लगता है, नेचुरल लगता है, और इसकी गुडनेस भी स्किन के ऊपर बहुत अच्छी आती है। तो हम यहाँ पे तकरीबन 4 टीस्पून से लेकर 5 टीस्पून यानी टेबल स्पून डालने वाले हैं रोज़ वाटर यानी एलोवेरा जेल, जो कि हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन करता है, स्किन को ताजगी से भरता है, साथ ही साथ हमारी स्किन के मॉइस्चर को भी ये मजबूत करता है, उसे लॉक कर देता है चेहरे के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लेना है रोज़ हिप सीरम। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये मैंने मंगाया था अपने लिए, और काफ़ी दिनों से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ, और भी बहुत कई वीडियो में मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीका बता चुकी हूँ गाइज़। ये सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और हमारी इस शीट मास्क में बहुत अच्छा काम करने वाला है, स्किन के ऊपर इतना ज़्यादा ग्लो लेकर आता है ये, कि मैं इसके मैजिकल रिजल्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आपको क्या करना है, 8 से 10 बूंदें आपको रोज़ हिप सीरम की डालनी है इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास नहीं है, वैसे तो मैं लिंक दे रही हूँ, अगर नहीं है तो आप क्या करोगे कि 2 विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं वो इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। सारी चीज़ों को अब आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है गाइस। ये जो शीट मास्क हम सीरम बना रहे हैं ना गाइस, ये हमारी स्किन के लिए बहुत मैजिकल काम करेगा। आपके चेहरा चाहे जितना रूखा हो, चाहे जितना बेजान हो, स्किन के ऊपर चाहे जितना ग्लो ना हो, आपको ये सीरम ना एक मैजिक की तरह दिखाई देगा, अपनी स्किन के ऊपर असर करता हुआ, ठीक है। तो इस तरह का बहुत अच्छी तरह से लिक्विडी, कुछ वाटरी हमारा ये सीरम बनकर तैयार है, जो कि लगाने के लिए अब हम इसके लिए क्या करने वाले हैं कि हमें चाहिए एक शीट मास्क
जो कि मार्केट में आपको मिल जाते हैं, या फिर अगर आपके घर में कोई सूती मलमल का कपड़ा है तो आप उसका भी काट कर शीट मास्क बना सकती हो। ये शीट मास्क मैं इसी जेल के अंदर, यानी ये जो सीरम हमने बनाया है इसके अंदर डालूंगी गाइस, और यकीन मानिए ये आपने जितने महंगे महंगे शीट मास्क इस्तेमाल किए ना उससे कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। तकरीबन आपको इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, 10 मिनट बाद आप जब देखोगी तो ये पूरा का पूरा जो शीट मास्क हमने इसमें डाला था ये पूरा सीरम चुका होगा। अब ये चेहरे पे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है गाइस, और यहाँ पे आप देखिए मेरा जो बोल था बिल्कुल खाली हो गया है, और सारा का सारा सीरम इस शीट मास्क ने अपने अंदर जज्ब कर लिया है। यहाँ पे इसको लगाने से पहले आपको अपना चेहरा बिल्कुल साफ करना है। देखिए मेरे फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं है, कॉटन टेस्ट मैंने आपको दिखा दिया है, और अब इस शीट मास्क को लेकर आप अपने साफ सुथरे धुले हुए चेहरे पर लगाओगी। एलोवेरा जेल लगाने का ये तरीका गाइस ना इतना अमेजिंग है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इसका कई बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और मुझे एक फंक्शन में जाना था तो उससे पहले इसको मैं लगा रही हूँ गाइस, क्योंकि इसके लगाने के बाद ना आपको कभी भी फेशियल लगाने की या कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका चेहरा इतना प्रॉपरली हाइड्रेट होकर ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि शीट मास्क को लेकर पूरे चेहरे पे प्रॉपर अच्छी तरह से चिपका दीजिए, और इसको लगाकर तकरीबन आप 25 से 30 मिनट तक के लिए आराम से लेट जाइए, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा काम ना कीजिए, आराम करिए, और कम से कम 25 मिनट बाद जब आप इसको हटाओगी ना गाइस तो आपकी स्किन ऐसा लगेगा कि रिजुवेनेट हो गई है, स्किन के ऊपर इतना ग्लो आ जाएगा, जैसे ही आप हाथ टच करोगे ना आपकी स्किन आपके हाथों से स्लिप होगी, यानी इतना स्लिपरी एहसास, इतना मखमली टच आपने आज तक अपनी स्किन के ऊपर नहीं देखा होगा। अब आपको क्या करना है, इसी जेल के ऊपर आपको मसाज करना है, फेशियल स्टेप लीजिए, जो भी आपको आते हैं जितने भी आज तक मैंने आपको बताए हैं ना उनमें से जो भी आपको याद है, या आपको जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाते हुए चेहरे के ऊपर मसाज कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके चेहरे के अंदर जितना भी जेल है ये एब्जॉर्ब होता चला जाएगा, और आपकी स्किन तक ये जेल अंदर तक जाएगा, अंदर तक समाएगा, और प्रॉपर हाइड्रेशन देगा। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है जो मैंने आर्य के साथ शेयर किया है गाइस, इसको एक बार आप सभी लोग लगाकर देखें, वाकई ये मैजिक आपके चेहरे पे करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मसाज किया है गाइस, और इतना मसाज करना है यानी तकरीबन 5 मिनट के लिए मसाज कीजिए, यहाँ पे इतना मसाज करके आपको छोड़ देना है कि ये सीरम आपकी स्किन के अंदर बिल्कुल जज्ब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपको ये मसाज करना है गाइस, और इसके बाद आप अपनी स्किन को देखकर हैरानी से भर जाओगे कि ऐसा लगेगा आपने 100 फेशियल जाकर अपने चेहरे पे कराए हैं, महंगा वाला कोई ट्रीटमेंट लिया है, स्किन एकदम से निखर उठेगी, एकदम से ग्लो करना शुरू कर देगी, और लास्ट में आपको इस तरह से स्टेप लेने हैं जिससे कि आपकी स्किन अपलिफ्ट हो जाए और टाइट हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा सीरम मेरी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। जज्ब करने के बाद यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए और छोड़ूंगी, और उसके बाद मैं मेकअप करने वाली हूँ, जी हाँ, क्योंकि पार्टी में जाना है, मेकअप करना है, और मैंने यहाँ पे बिना फेशियल के ही पा लिया है। फेशियल से 100 गुना ज़्यादा निखार, स्किन एकदम सपल, एकदम स्मूथ है, चेहरे का ग्लो देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इतना बढ़िया तरीका मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, आपकी स्किन स्पार्क करने वाली है, चमकने वाली है, जल्दी से जाइए इसको ट्राई कीजिए, किसी पार्टी में ओकेजन में आप अगर जा रहे हो तो इसको ट्राई करना बिल्कुल ना भूलना, गजब के रिजल्ट मिलने वाले। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पर 12 बजे आने वाले मेरे वीडियोज को देखना बिल्कुल मिस मत करना। टेक केयर, बाय बाय।